सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। इससे पहले एक वीडियो हमारा पब्लिश हो चुका है। स्टूडेंट्स देखिए, इस वीडियो को बनाने का जो हमारा मकसद है वो है कि क्लासेस के स्टूडेंट्स के साथ साथ जो हमारे साथी हैं और जो तैयारी में लगे हुए हैं अपने किसी भी टेस्ट की में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। अब मैं टाइम नहीं लेते हुए आपको आगे बताना चाहता हूँ। इंडियन हिस्ट्री, उसमें जो लास्ट वीडियो था उसमें बताया गया था भारत का इतिहास धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो भारत की खोज कैसे हुई, पिछले वीडियो में ही हमने कुछ चाइनीज राइटर्स के नाम दिए थे, जैसे हाइयान, भारताया, संयुगन, हेनसांग, इत्सिंग, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। इससे पहला वीडियो आप देख सकते हो इंडियन हिस्ट्री का। अब हम आपको आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक फर्स्ट अल बरूनी जो था ये अरबी लेखक था और ये भारत आया था। भारत आने के लिए इसका उद्देश्य क्या था, कैसे भारत आया था, सुनिए। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भारत की खोज जो पुस्तक थी वो अल बरूनी ने लिखी थी। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित हैं। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो मेन जो बात निकल कर आती है, अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या था, भारत की खोज। फिर आपका सेकंड है हमारे भारत में जो आया था अरबी, और दूसरा जो लेखक था उसका नाम था इब्न बतूता। तो ये जो लेखक था इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहल्ला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये इतना इंटेलिजेंट था इब्न बतूता कि उस समय 1333 में दिल्ली पर हकूमत करने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। किसको? इब्न बतूता को। नेक्स्ट, अन्य लेखक भी हमारे भारत में आए। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा कर पर भारत आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, अब कुछ जानकारियां हम भारत के बारे में अपने पुरातत्व विभाग से ले लेते हैं। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण
यवन राजदूत होली योडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ शतम लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम जो है इसका उल्लेख जो है भारत का वो कहाँ पर है, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है। हाथी गुम्फा अभिलेख में स्थित है सब सर्वप्रथम भारत का जिक्र। नेक्स्ट, इससे आगे हम चलते हैं। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिया गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नपाशनिक पुरासथल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासारनन कासारपन कहा गया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सिक्कों पर लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयोग है किसने किया, वो यवन शासकों ने। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरी कमेडू पोंदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। सबसे पहले भारत में भारत के संबंध बर्मा मलाया कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए। महत्वपूर्ण अभिलेख में अभिलेख देखिए, ये आपको ध्यान रखना है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल के शासनकाल में हाथी गुम्फा नामक अभिलेख थे। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख सकंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित हैं। एक हिंदू मंदिर जब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंद्रिया महादेव मंदिर खजुराहो में, ब्रह्मोस्वर मंदिर भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर गोंडेश्वर मंदिर, ये सब दिए हुए हैं। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है और गोंडेश्वर मंदिर आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, अभी जो काल मैंने आपको बताया था, कुछ चाइनीज जो लेखक थे, चाइनीज जो इंसान थे वो भारत को देखते हुए यहाँ आए थे। अब प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है, किसकी खोज होती है, ये मैं आपको विस्तृत में बताने वाला हूँ। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें कोई लिखित विवरण नहीं था। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। से आगे देखिए, मालवा काला तथा लाल, बुर्ज होम धूसर,
जोखे लाल ये संस्कृति थी जो इन बर्तनों का यूज करते थे। द नपाषाण चमकीला धूसर, पूर्वी नपाषाण भूरा लाल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके द्वारा बनाया जाने वाला औजार कुल्हाड़ी, प्रथम औजार था कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कौलडी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार सपटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। असम का श्वेत भ्रू गेवन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जौरवी संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का पंजीयन विविधीकरण किया। तो रिजले ऐसे व्यक्ति थे पहले जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या को विभेद करके बताया। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता। तो साथियों अब हम अपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो पढ़ रहे हैं अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता क्या थी, इसके अंतर्गत क्या होता था। सिंधु सभ्यता देखिए रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। यह है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। ये आपके 6 बड़े नगर थे उस समय के प्रागैतिहासिक काल के। इसके बाद देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल,
एवं सुतकोतदा सिद्धु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सनानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार आयातित वस्तुएं, तांबा कहाँ से आता था? खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान उस समय। चांदी, अफगानिस्तान, ईरान। सोना, कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। टेन, अफगानिस्तान, ईरान। गोमेद, सौराष्ट्र। लाजवर्द, मेसोपोटामिया। सीसा, ईरान। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथम एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर तीन मुख देने वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नृत्यकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई है। घरों के दरवाजे और खिड़कियों सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते हैं। केवल लोथम नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूँ और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल में सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पिंजर मिले हैं। तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए दो पहियों एवं चार पहियों वाली बैलगाड़ियाँ, भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वनिक वर्ग के हाथों में था। पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं से पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। स्वास्थ्य चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है, जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा सत्रों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्वान थी।
लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति, यहाँ ध्यान से देखिए, हड़प्पा प्रमुख स्थल जो है, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है और इसका जो खोजकर्ता था दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी राखाल दास बनर्जी, चनहुदड़ो सिंधु गोपाल मजूमदार, कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर है बीबी लाल एवं बीके थापर, कोट दीजी सिंधु फजल अहमद, रंगपुर मादर रंगनाथ राव, रोपड़ सतलज नदी और ये यज्ञदत्त शर्मा, लोथल भोगवा नदी पर है रंगनाथ राव, आलमगीरपुर हिंडन यज्ञदत्त शर्मा, सुत कांगेडोर दास नदी, ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स, बनमाली रंगोई रविंद्र सिंह बिष्ट, धौलावीरा रंगोई रविंद्र सिंह बिष्ट। अब इनका क्या दिया हुआ है, इनका वर्ष दिया हुआ है सभी का, देखिए हड़प्पा संस्कृति जो थी 1921 में, मोहनजोदड़ो 22 में, चनहुदड़ो 31 में, कालीबंगन 1953 में, कोट दीजी 1953 में, रंगपुर 53 से 54, रोपड़ 53 से 56, लोथल 55 से 1962, आलमगीरपुर 1958, सुत कांगेडोर 1927 से 62, बनमाली 74 और धौलावीरा आपका 1990 से 91। ये है कहाँ पर, स्थिति कहाँ पर है इनकी, हड़प्पा है पाकिस्तान का मॉन्टगोमरी ज़िले में, हड़प्पा संस्कृति के जो प्रमाण मिलते हैं, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान सिंध प्रांत, चनहुदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान, कालीबंगन राजस्थान का हनुमानगढ़ ज़िला, कोट दीजी सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, रंगपुर गुजरात का काठियावाड़ ज़िला, रोपड़ पंजाब का रोपड़ ज़िला, लोथल गुजरात का अहमदाबाद ज़िला, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का मेरठ ज़िला, सुत कांगेडोर पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे, बनमाली हरियाणा का हिसार ज़िला और धौलावीरा आपका है गुजरात के कच्छ ज़िले में। तो इस तरीके से हमने आपको भारतीय इतिहास के बारे में कुछ और जानकारी दी कि जो ये हमारा प्रागैतिहासिक काल था इसमें क्या होता था, और सिंधु सभ्यता जो इसमें थी, सिंधु सभ्यता के बारे में हमने इसमें डिटेल में बताया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे वैदिक सभ्यता। तो स्टूडेंट्स और हमारे सभी साथी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हम समय समय पर आपके पास नए वीडियो लाते रहें और आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में बहुत सहायता यहाँ से मिल सके। थैंक यू।